आपका लविंग गार्डन पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में इस तरीके के जो मटके होते हैं ये मटके डेकोरेट करेंगे। तो ऐसे मटके ये ज़्यादातर आइसक्रीम वगैरह में, रसमलाई वगैरह में आते ही रहते हैं। तो हमें इन्हें कैसे डेकोरेट करना है, फेंकने की बजाय हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गार्डन के लिए इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। ऐसे कलर करके आप इनमें कोई भी सीड्स वगैरह या फिर छोटी छोटी कटिंग्स लगा सकते हैं, बहुत प्यारे लगेंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें गार्डन में रख सकते हैं। और इस तरीके से आप इन्हें अगर डेकोरेट करना चाहते हैं तो जैसे कि हम अपने मंदिर में, और अभी दीपावली आ रही है तो उस जगह पर ऐसे डेकोरेट करके रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से कैसे डेकोरेट किया जाएगा मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, लेकिन सुंदर बहुत लगेंगे सभी डिज़ाइन। ये देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है। मैंने इसके अंदर पानी रखा हुआ है और बहुत सुंदर इस तरीके से आप हम इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिएगा, बस ये हमारे वेस्ट ये चाहिएगी। हमें इन पर कलर करना होगा, और कलर और ब्रश, और अगर हमें कोई डेकोरेट करने के लिए कुछ शीशा वगैरह चाहिए हो तो सिर्फ वही चाहिएगा, और कुछ नहीं चाहिएगा। तो इस तरीके से वेस्ट सामान से भी हम इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। ये मेरे घर में जो वेस्ट सामान पड़ा हुआ है उसी से मैंने ये डेकोरेट किया है इस तरीके से। और एक ये, तो चलिए करते हैं हम। हमें सिर्फ इसे 2 मिनट सुखाने के लिए रख देना है कलर करने के बाद। और अभी नवरात्रि भी आ रहे हैं तो नवरात्रों में हम इसे बहुत अच्छे से अपनी पूजा में रख सकते हैं डेकोरेट करके इस तरीके से। देखिए मैंने इन पर ब्लैक कलर किया है। आप अपनी पसंद से, कोई अपनी चॉइस से कोई भी कलर आप कर सकते हैं। तो कलर हमारा ही सूख चुका है, देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये हल्का भी थोड़ा है। अब हम इस पर कोई अपनी पसंद से डिज़ाइन बनाएंगे। तो फेविकोल से सबसे पहले हम इसके इस तरीके से देखिए ऐसे ऐसे देखिए, हमें इसके चारों साइड पर ये मिरर चिपका लेने हैं चारों साइड पर। इस तरीके से हम कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा पेंट हो चुका है। ये देखिए आप, इस तरीके से हम इन पर ऐसे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं अपने माइंड से।
इस तरीके से। तो मैंने देखे कितने सारे ऐसे ही डेकोरेट करके रखे हुए हैं। देखिए आप इसी तरीके से हम इन पर भी कोई भी डिज़ाइन कोई कलर बना सकते हैं। और ये मिरर वाला भी इस तरीके से देखिए ये ऐसा आएगा, ये कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरीके से हम इसमें फ्लावर रख के ऐसे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पोर्ट आपको कैसे लगे, किस तरीके से आप डेकोरेट करना चाहते हैं ये आपके ऊपर बात है। तो आपको कैसे लगे मेरे सभी ये पोर्ट मुझे बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर। तो थैंक यू सो मच।